एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के इंग्लिश का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, उसमें हमें एक जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। सेक्शन ए में 15 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन में एक पैसेज दिया गया है, उसमें हमें जो है वो आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड है यानी, और ये एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। पैराग्राफ जो है वो आप अच्छे तरीके से रीड कर लेना, हम सीधे आंसर्स करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तराखंड में, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ 3600 अबव सी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है वो टिक कर देते हैं, उत्तराखंड फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, डैश इज द बेस कैंप फॉर द ट्रैक टू द वैली ऑफ फ्लावर्स। तो बेस कैंप है, ठीक है। तो कहाँ पर है ये बेस कैंप, देखो घांगरिया, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेम सम फ्लावर्स फाउंड इन द वैली। तो कुछ फ्लावर्स जो इस वैली में पाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो वो है ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी एंड कोबरा लिली, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट टाइम टू विजिट द प्लेस। तो बेस्ट टाइम कौन सा है इस प्लेस को विजिट करने के लिए, तो 1 जून से ओपन हो जाता है यानी जून है, ठीक है। इसके बाद जो है, एट दिस टाइम स्नो स्टार्ट मेल्टिंग लास्ट ईयर बाय जुलाई, ठीक है। तो जुलाई भी जो है वो फ्लावर्स बहुत सारे खिल रहे हैं, तो जुलाई भी अच्छा टाइम है, ठीक है। मिड अगस्त तक कहते हैं कि अच्छा टाइम है, ठीक है। तो जून जुलाई एंड अगस्त जो है अच्छा टाइम है, ठीक है, इस जगह को विजिट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वैली क्लोज फॉर द पब्लिक। तो वैली जो है वो पब्लिक के लिए कब क्लोज हो जाती है, तो देख लेते हैं। तो स्नोफॉल स्टार्ट्स इन अक्टूबर एंड द वैली इज क्लोज ऑफिशियली टू द पब्लिक, तो अक्टूबर में, ठीक है। तो व्हेन स्नोफॉल स्टार्ट्स इन अक्टूबर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टडी द गिवन पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो 5 मार्क्स के हैं ये, 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोस्टर। तो पोस्टर का थीम जो है वो क्या है, आई डोनेशन है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, हु कैन डोनेट आईज। आईज जो है वो कौन डोनेट कर सकता है, तो आईज जो है वो एनीवन कैन डोनेट आईज, ठीक है, एनीवन कोई भी डोनेट कर सकता है। द गिवन पोस्टर हैज बीन इशूड बाय, तो ये पोस्टर जो है वो किसने इशू किया है, इशूड बाय नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, आफ्टर टेकिंग प्लेज एंड ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द फैमिली वन शुड इन्फॉर्म द नियरेस्ट। तो जब शपथ ले ली कि आई डोनेट करना है ना, अपने परिवार वालों से जो है वो सहमति ले ली, तो किससे जो है वो नियरेस्ट कहाँ पे जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, नियरेस्ट आई बैंक, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ कैन कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बी क्योर्ड। तो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस जो है वो किस तरीके से जो है वो क्योर्ड किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, कॉर्नियल ग्राफ्टिंग फ्रॉम डोनेटेड आईज, ठीक है, तो बाय कॉर्नियल ग्राफ्टिंग फ्रॉम द डोनेटेड आईज, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद बेटा आपको जो है वो कॉन्वर्सेशन जो है वो दिया गया है, आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, एमसीक्यू बेस्ड है। द कॉन्वर्सेशन इज बिटवीन, तो कॉन्वर्सेशन जो है वो किस किस के बीच में हो रहा है, फादर एंड राघव के बीच में, ठीक है, यानी कि फादर एंड सन के बीच में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, हु हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जो है वो कौन फेल हुआ है, तो राघव फेल हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑफ द ओपिनियन दैट नथिंग हैपेंस बाय चांस। तो कौन है इस ओपिनियन का कि कुछ भी जो है वो चांस से नहीं होता, ठीक है, नथिंग हैपेंस बाय चांस, फादर, ठीक है, तो यहाँ पे फादर पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, गुड फॉर्च्यून इज द रिजल्ट ऑफ। जो गुड फॉर्च्यून है वो किसका रिजल्ट होता है, तो गुड फॉर्च्यून जो है वो रिजल्ट होता है हार्डवर्क का, ठीक है, तो यहाँ पे हम हार्ड वर्क पे टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फादर व्हाई हैड राघव फेल। तो फादर के अकॉर्डिंग राघव जो है वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। इसके बाद बेटा सेक्शन बी लिटरेचर है, 25 मार्क्स का है, ठीक है। यहाँ पे किसी 3 क्वेश्चन को आंसर करना है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर ऑब्सेस्ड विद। नरेटर जो है वो किस चीज से ऑब्सेस्ड है, तो नरेटर वाज ऑब्सेस्ड विद डूइंग मोर वर्क एंड अर्निंग मोर मनी, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो देखते हैं, जो कि है,
व्हाट डिड द मदर ड्रॉप अलोंग द वे, तो मदर ने रास्ते में जो है वो क्या गिरा दिया था, ट्विग्स अलोंग द वे, ठीक है, ट्विग्स गिरा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट है वेयर डिड द फार्मर हाइड हिज मदर, तो जो फार्मर है उसने अपनी मदर को कहाँ पे छुपाया था, किसान ने अपनी माँ को जो है वो रसोई के फर्श के नीचे एक दीवार से बनी अलमारी में छिपा दिया था, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच प्लेस डिड सेंट रविदास चूज फॉर हिज मेडिटेशन, तो संत रविदास ने मेडिटेशन के लिए कौन सी जगह चूज की थी, तो उन्होंने शांतिपूर्ण जंगल जो है वो चूज किया था, ठीक है। ही चूज अ पीसफुल प्लेस इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में शांतिपूर्ण जगह चूज की थी मेडिटेशन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संदीप ने सेज की हेल्प यानी कि साधु की हेल्प जो है वो किस तरीके से की थी, तो जो संदीप है उन्होंने ऋषि को अपनी पीठ पर लेकर नदी को पार किया था, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो है कि राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एनी फोर वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी, ठीक है। तो डिनाई का मतलब होता है इनकार करना या मना करना, ठीक है, इनकार करना। एसेंस का मतलब होता है सार, फ्रेलिटी का मतलब होता है फ्रेलिटी, फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा, फीचर्स का मतलब होता है विशेषता या गुण, ठीक है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, सीमाएं। इसके बाद नेक्स्ट है द सेज गेव अ पीस ऑफ डैश टू रमन, तो उन्होंने जो साधु है उन्होंने रमन को क्या दिया था, स्टिक। द फार्मर हैड थ्री फील्ड्स एंड थ्री हाउसेस, द सेज हैड द ब्रदर्स प्रॉमिस दैट दे वुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। नेक्स्ट है बेटा सेंटेंस बनाना है, ठीक है, किसी भी चार वर्ड को जो है वो सेंटेंस बनाने हैं, तो केयर से हम क्या सेंटेंस बना रहे हैं, ऑलवेज केयर फॉर योर पेट्स, ठीक है, हमेशा अपने पेट्स का ध्यान रखो। सेकेंड हमें वर्ड दिया गया है डिसिपल यानी कि स्टूडेंट, ठीक है, द डिसिपल, द डिसिपल लिसेंड टू हिज टीचर, ठीक है, कि डिसिपल जो है वो अपने टीचर की सुनता है। इसके बाद है टेंगल यानी कि उलझन, हर हेयर, हर हेयर टेंगल्स इजीली इन विंड, यानी जब हवा चलती है उसके बालों में इजीली उलझन पड़ जाती है, ठीक है। फिर है डेस्पोटिक, इसका मतलब होता है तानाशाही, ठीक है। द किंग वॉज डेस्पोटिक एंड अनकाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज, वी नीड मोर स्टोरेज फॉर आवर चॉइस, हमें और भी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है अपने चॉइस के लिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है सिंगल यूज, तो इसका बना दो सिंगल यूज कप्स, सिंगल यूज कप्स आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, ठीक है, ये एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, एनवायरनमेंट, ठीक है बच्चे। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए हैं मैंने आपको, इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को रीड करके आपने इनके आंसर्स बताने हैं। नेम द पोयम एंड द पोएट, तो पोयम और पोएट का नाम क्या है वो बताना है, तो पोयम का नाम है डोंट क्विट और पोएट का नाम है एडगर ए गेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ फुल ऑफ, तो लाइफ जो है वो किस चीज से फुल है, लाइफ इज फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज एवरी वन ऑफ अस समटाइम लर्न, तो हम सब जो है वो कभी कभार क्या सीखते हैं, इट इज दैट फेलियर चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑल एट वंस एंड देयर इज सक्सेस, कि फेलियर जो है एक बार में अपना रास्ता जो है वो बदल देती है और फिर हमें सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद दो दो नंबर के क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डज द अर्थ वांट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, अर्थ जो है वो इंसानों से क्या चाहती है, द अर्थ वांट्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू चेंज देयर वे, कि अपना तरीका बदले,
और इस तरीके से जो है चेंज द फेस ऑफ द अर्थ, जो धरती का जो है वो फेस है, चेहरा है, उसको भी बदले, ठीक है, मतलब उसको तरीके से धरती अभी दिख रही है उसमें बदलाव लेकर आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल यूज प्लास्टिक थिंग्स कौन कौन से हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं और खरीदते हैं, तो बैग्स, बॉक्सेस, प्लेट्स, स्पून और दूसरे जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक चीज हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय फंड्स आर लो, तो फंड्स आर लो से क्या मतलब है, इसका मतलब है नॉमिनल रिसोर्सेस, थोड़े से रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 11th है, डू एज डायरेक्टेड, तो इसको अपने जो पहला सेंटेंस है शी सिंक्स वेल, इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, डज शी सिंक वेल, ठीक है, डज शी सिंक वेल। इसके बाद है, व्हाट अ लवली सीन, इसको एडजेक्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बनाना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, द सीन इज लवली, ठीक है। नेक्स्ट है, डिटरमिनेंट्स फिल करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स, शी इज ए एंड द में फिल करना है, शी इज अ वेरी गुड गर्ल, ही हैज डैश मनी, तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, तो ही हैज मच मनी। नेक्स्ट है, ब्यास फ्लोज इन पंजाब, इसको करेक्ट करके दोबारा से रीराइट करना है, तो ब्यास एक रिवर का नाम है, उसके आगे द लग जाएगा, ठीक है, द ब्यास फ्लोज इन पंजाब। नेक्स्ट है बेटा, पिक आउट द मेन वर्ब, मेन वर्ब वर्ब क्या होता है, काम, ठीक है, तो इसमें क्या वर्ब है, राधिका इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग जो है वो है, ठीक है, तो रीडिंग को अंडरलाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट है, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, पुलिसमैन ने थीफ को अरेस्ट किया है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्टेट वेदर द वर्ब इन द सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, तो यहाँ पे जो वर्ब है, ठीक है, जो अरेस्टेड है वो ट्रांजिटिव है कि मतलब कि या जो है वो इनट्रांजिटिव है, तो इसका ऑब्जेक्ट तो है ना, कि किसको जो है वो अरेस्ट किया गया है, थीफ को, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है, गोल्ड इज एक्सपेंसिव देन सिल्वर, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिग्री जो है वो यूज करना है, देन लगा है, दैट मींस कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो एक्सपेंसिव का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज वेरी इल, ही कांट ईट एनीथिंग, इसको टू और इन्फिनेटिव लगा के जो है वो सेंटेंस जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, ही टू इल, ही इज टू इल, ठीक है, टू ईट एनीथिंग, ही इज टू इल टू ईट एनीथिंग। अगला है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसमें जिरण जो है वो फाइंड आउट करना है, तो जिसमें आईएनजी लगा है स्विमिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज इजी डैश मेक मिस्टेक, इसको नॉन फाइनाइट फॉर्म फिल करना है, ठीक है, इट इज इजी टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको जो है अपने प्रिंसिपल को जो है वो एक एप्लीकेशन लिखना है कि आप जो है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, आप समीर हो, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला में पढ़ते हो, ठीक है, या तो नेक्स्ट जो है वो आपने करना है, जिसमें कि आप एक लेटर जो है वो अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, इन्फॉर्म करते हुए कि आपके ब्रदर की मैरिज है और आप उसे इनवाइट कर रहे हो, ठीक है, आपका नाम अभिषेक है, आप 13 मॉडल टाउन लुधियाना में रहते हो, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि स्टोरी लिखनी है, आपको हिंट्स दिए गए हैं उसे देखकर स्टोरी लिखनी है, या फिर जो है वो आपने पिकनिक पर जो है वो पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14th है, आपने डायलॉग जो है वो लिखना है फादर और सन के बीच में, कि चाय जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है, वो एक फादर जो है वो अपने बेटे को बता रहा है, तो वो डायलॉग लिखना है, ठीक है, या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि डायलॉग जो है वो संत रविदास, सेंट रविदास और हंटर के बीच में लिखना है, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15th है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी, किसी टू सेंटेंसेस को पंजाबी या हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिज सिस्टर इज वेरी वाइज, यानी कि उसकी बहन बहुत समझदार है, माई टीचर हैज चेक्ड द नोटबुक, मेरी शिक्षक ने कॉपी चेक की है, ठीक है,
इसके बाद है द बॉयज हैव नॉट ब्रोकन द चेयर, लड़कों ने कुर्सी नहीं तोड़ी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सेंटेंस है उसे पंजाबी हिंदी पंजाबी में दिया गया है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है किसी टू सेंटेंसेस को, और पेपर बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि 5 मार्क्स आपको आपकी हैंडराइटिंग के दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो करते हैं हम यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।